लोकसभा की 543 सीटों पर लगातार एक बार फिर से मतदान का दौर जारी है और ऐसे में इस बार सरकार बनाने वाली राजनीतिक दलों ने अपनी उठापटक का दौर भी शुरू कर दिया है। डिजिटल ओपिनियन पोल और सर्वे के नए नए रिपोर्ट भी आने शुरू हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने लगी है। किसकी बनेगी सरकार, कौन बनाएगा सरकार, इंडिया या इंडिया गठबंधन, जिसमें लगातार इंडिया गठबंधन में 400 पार को रोकने के लिए जी आपको बता दें कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अन्य तमाम लोगों का एक हुजूम है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अन्य इलाकों तक लगातार कई बड़े बड़े प्रयासों का भी यहां दौर जारी है। इसमें 2024 लोकसभा इलेक्शन में 2014 और 2019 से सबक सीखते हुए राहुल गांधी ने उन गलतियों को ना दोहराने का बड़ा निर्णय लिया। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा भी दे दिया। लेकिन समझिए कि देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत जितनी है उतनी ही ज्यादा एक सरकार को चलाए रखने के लिए और संविधान को बनाए रखने के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लोकसभा 2024 में बड़ी बड़ी ताकतें भी इस बार जिया बाल बाका नहीं कर सकती और उम्मीदों के सितारे लगातार बुलंद होते नजर आएंगे। ऐसे में क्या हो रहा है, डिजिटल ओपिनियन क्या कह रहा है, सर्वे क्या कह रहा है, रिपोर्ट जो सामने आ रहे हैं उसमें क्या कुछ नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। बताएंगे कि वोट प्रतिशत कम होने के बाद सरकारों ने वोटरों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ नया अभियान चलाया और ओपिनियन पोल में, लाइव ओपिनियन पोल हम इस वक्त आपको देने वाले हैं, तो ओपिनियन पोल और सर्वे के रिपोर्ट में क्या पाया गया, इन सभी चीजों को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप अंत तक देखने का भी कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि आप समझ सके कि दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अन्य ऐसे नजाने देश के सभी लोकसभा सीटों और सभी राज्यों के बारे में आपको आकलन हो सके। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और उसके साथ ही साथ जिया आपको बता दें कि चंपई सोरेन नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद में वहां के लोगों का आकलन क्या है, नई नई रिपोर्ट जो है वो क्या नया दावा पेश कर रही है, ऐसे में पूरे रिपोर्ट जो है वो पेश करने वाले हैं। उससे पहले कि आपके शुरुआत के साथ दिल्ली से बातें करेंगे, दिल्ली में ना सिर्फ बीजेपी का बोलबाला है बल्कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 7 जन्मों में भी नरेंद्र मोदी मुझे दिल्ली से तो हरा नहीं पाएंगे, इसका निर्णय मैं जानता हूं और मैं लेता हूं ताकि दिल्ली में क्या होगा ये मुझे अच्छे से पता है। दिल्ली में आपको पता है कि 7 में से 5 बीजेपी को मिल सकती है बल्कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग दावा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें जहां नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए से नाराज बताया जा रहा है उसमें से 15 सीटें बीजेपी को जबकि 25 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। लेकिन ये आंकड़े जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तब का है। ऐसे में दोस्तों इस आंकड़े के सर्वे सही या गलत होने का कोई प्रूफ नहीं करते, ये आंकड़े जो है रातों रात बदल सकते हैं राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र और वादों के मुताबिक। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से लगभग 50 पर बीजेपी, 27 पर कांग्रेस और 3 पर अदर का राज्य हो सकता है। दोस्तों आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर अलग अलग आंकड़ों का रिपोर्ट चल रहा होगा जहां जी हां पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी जीत सकते हैं जबकि 32 पर कांग्रेस और 2 पर अदर का दावेदारी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में वोट प्रतिशत अभी तक सबसे अधिकतम हुआ है, ऐसे में लोगों का आंकड़ा और उम्मीद भी कुछ नया हो सकता है। बड़ी खबर तो ये भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में लगातार देश की जनता का निगाह टिका हुआ है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई कुछ नया पेश कर रही है। एकनाथ शिंदे के साथ जिया सब कुछ खेल हुआ तो उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी का झोलमेल भी हुआ था। इस दौरान महाराष्ट्र में जो है 48 में से 30 पर बीजेपी जबकि 18 पर कांग्रेस हो सकती है, इंडिया गठबंधन हो सकता है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में कुल सीटों की संख्या जो है वो लगभग 39 है जिसमें से 10 पर एनडीए और 29 सीटों पर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन का राज हो सकता है। यहाँ पर जिया एम के सालिन ने पहले ही अपनी ताकतों को पेश किया है, मजबूत किया है। इस दौरान एक और भी खबर सामने आई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने पहले ही एक नई सरकार बनी है और यह नई सरकार और किसी की नहीं बल्कि बीजेपी की है और इस सरकार को लेकर के दावा किया जा रहा है कि एक नया आंकड़ा पेश होगा। 29 में से लगभग 20 पर बीजेपी और इसके साथ इंडिया
अलायंस 9 सीटों पर बहुमत हासिल करेगा। पंजाब की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलायंस है, इसलिए यहाँ के आंकड़े भी कुछ अलग अलग अर्जियां जो ताकत पेश कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। ऐसे में बात करें यहाँ पर तो 13 में से 3 बीजेपी जबकि 10 पर आपको बता दें कांग्रेस का हो सकता है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक लगातार कोशिश की जा रही है, ऐसे में ये कोशिश जो है वो आपके आंकड़ों के साथ सामने आई है। 25 में से 7 पर बीजेपी जबकि इंडिया अलायंस 17 सीटों पर अदर के खातों में एक। यहाँ पर 148 और 169 के आंकड़े आप देख रहे हैं, कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। हालांकि ये जो देश में जी हाँ कुछ ऐसे वीडियो का भी असर है जो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में बात करें अगर तेलंगाना के तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा की, 3 पर इंडिया अलायंस, 3 पर जो है एनडीए जबकि 12 पर इंडिया अलायंस और अदर खातों में 2 सीटें। 151 शुभ आंकड़े और 181 आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों अगर बात करें हरियाणा की तो पंजाब और हरियाणा जो है वो सटा हुआ राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में बीजेपी का प्रकोप अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही खबरें सामने आ रही है, यहाँ पर बीजेपी दावेदारी बेहतर पेश करते नजर आई, 6 सीटों में से 6 पर बीजेपी जबकि 4 पर इंडिया अलायंस। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके साथ ही साथ चंपई सोरेन लगातार नए मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन का जेल जाना ये भी इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। और इसका प्रभाव ये पड़ा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस वक्त मजबूत होकर के बीजेपी को 7 सीटों पर बुक कर सकता है जबकि इंडिया अलायंस की 18 सीटों पर जीत हो सकती है। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 ही सीटों पर कांग्रेस का बहुमत मिल सकता है। और ये वो आंकड़े हैं जो तो कुछ तो नया ताकत पेश कर रहे हैं, कुछ नई उम्मीदों को पेश कर रहे हैं और ऐसे में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़ों का अलग अलग रिपोर्ट जो है वो सामने आ रहा है। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं और 21 में से 10 पर बीजेपी जबकि 10 पर यहाँ पर जो मैच है वो लगभग टाई होगा और अदर जो यानी निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी एक जीतेंगे। यानी निर्दलीय प्रत्याशियों की जो भूमिका वो यहां पर जो है वो हमने हाइड कर रखा, इसलिए क्योंकि निर्दलीय ही चुनाव में एक बड़ा खेल करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि केरल एक शिक्षित राज्य है, यहां पर शिक्षा व्यवस्था हमेशा बेहतर बनी रहती है। वाकई में जो केरल है वो कुछ तो इस बार नया होने वाला है केरल में, जिसकी उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। तो 10 पर बीजेपी और 10 पर इंडिया अलायंस जो है वो पेश करेगा अपना बहुमत। 190 और 144 के आंकड़े आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। गुजरात की 20 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, बताते हैं गुजरात में कुल सीटों की संख्या 26 है और आपके मोबाइल स्क्रीन पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि कोई चीजें यहां पर बेहतर नहीं है। और यहां पर जो है 21 बीजेपी जबकि 5 पर ही मात्र इंडिया अलायंस। गुजरात में नरेंद्र मोदी का आपको अक्सर पता है जादू चलता है, इस बार भी चलेगा। असम की बात करें तो 14 में से 8 पर बीजेपी जबकि 6 पर कांग्रेस, यहां पर कांग्रेस के सीटों का कमी हमेशा की तरह फिर से देखने को मिल रहा है। और अक्सर जो गुजरात है वो एक बड़ा बहुमत नरेंद्र मोदी के तरफ देता है, असम एक बड़ा बहुमत नरेंद्र मोदी के तरफ देता है। उत्तराखंड की बात करें तो ये पूरा का पूरा पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के खातों में जाती दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड बीजेपी का पूरा प्रॉपर इस बार हो सकता है, लोगों की हुजूम, लोगों की मोहब्बत और लोगों का प्यार यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये कोशिश जो है वो एक नए आंकड़े को पेश कर रहा है, देश में एक नई ताकत का बढ़ावा दे रहा है, एक नई उम्मीद को दे रहा है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी एक नए नए आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस बार जो है वो सामने आ रहा है एक नया आंकड़ा। जहां बात करें तो 11 सीटें हैं जबकि 1 सीटें बीजेपी, 9 सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती है छत्तीसगढ़ में। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में 2 सीटें बीजेपी यानी एनडीए को और 3 सीटें इंडिया अलायंस जबकि अदर खातों में 1 सीट जा रहा है। और इसी तरीके से कुछ नया कुछ बेहतर जो आंकड़े हैं, जो उम्मीद है, जो लोगों को एक नया सितारा बुलंद किया जा रहा है लोगों के लिए, हमेशा की तरह लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की इस लड़ाई में कुछ नया पेश कर रहा है, तो वो आंकड़े यहां पर पेश हो रहे हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ वही आंकड़ा पेश हो रहा है जहां 4 की 4 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस को जा रही है। तो 271 पर इंडिया अलायंस और एनडीए 227 पर, 400 के आंकड़े जो है वो थोड़े से इस बार असमर्थ होते दिखाई दे रहे हैं। 200 से पार जो है
शायद कुछ नया होने वाला है, एक नई सरकार का गठन शायद होने वाला है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो दोनों की दोनों सीटें बीजेपी को जा रहा है और दोनों की दोनों सीटें जो है वो एक नए आंकड़े को पेश करती नजर आ रही है। बात होगी इस बार गोवा की, तो गोवा भी हमेशा से अपनी सरकारों के बदलने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर चाहे सिस्टम आपका कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, लेकिन 5 सालों में बदल देना है ये लोगों का आंकड़ा है। तो बीजेपी यहाँ पर अपनी बहुमत पेश करती नजर आ रही है, अपनी ताकत को पेश करता नजर आ रहा है। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की हिंसा घटनाओं की वजह से यहाँ इंडिया अलायंस की ताकत बढ़ी है। स्थानीय राजनीतिक दल कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं, इस उम्मीद से मणिपुर में 2 की 2 सीटें जो हैं वो इस बार इंडिया अलायंस को मिलता नजर आ रहा है। और ये भी आंकड़े जिया कुछ तो नया व्यक्त कर रहे हैं। बात करें मेघालय की, तो मेघालय में 2 सीटें जो है वो भी इंडिया अलायंस को मिल रहा है। मेघालय की भी 2 सीटों पर बहुमत इंडिया अलायंस की हो रही है और इंडिया अलायंस यहाँ पर अपनी ताकत को फिर से बड़े मजबूत कोशिशों के साथ सामने लाता दिखाई दे रहा है। तो इस बार देश के जनता के समक्ष एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ी कोशिश सामने आ रही है और ऐसे में ये कोशिश देश को मजबूत कर रहा है। नागालैंड की 1 सीटों पर बात करें तो 1 की 1 सीटें जो है वो बीजेपी को जा सकता है। ये है लोकसभा के चुनाव का बड़ा सर्वे, ओपिनियन और डिजिटल तरीके से चलाए गए एक बड़े नतीजों तक पहुंचने का बड़ा रिजल्ट जो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक खबरों को बता रहे हैं। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में 1 सीटें और वो भी इंडिया अलायंस को मिल सकती है। इंडिया अलायंस यहां पर अपनी बहुमत बेहतर पेश कर रहा है। इंडिया अलायंस के पास इस वक्त वो हुजूम, वो मोहब्बत की पैगाम, देश के लोगों के लिए बड़े संदेश हैं जो हमेशा पेश हो रहे हैं। बात करें अगर केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटों के बारे में, वहाँ पर 2 पर बीजेपी, 2 पर इंडिया अलायंस और 2 पर अदर का बहुमत जो है वो पेश हो सकता है, वो आंकड़े जो है वो सामने आ सकते हैं। और इसीलिए ये उम्मीद जो है वो टिकी हुई है ताकि देश की जनता की जन भागीदारी और जन विश्वास जो है वो मजबूत बन सके। मिजोरम की बात करें त्रिपुरा की, जहाँ पर कुल त्रिपुरा मिजोरम में 1 सीटें है, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, तो त्रिपुरा की 2 सीटें बीजेपी को हो रही है बल्कि मिजोरम की 1 सीटें कांग्रेस को होती दिखाई दे रही है। और यही है लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती कि अगर आप खूब अपने आप को मजबूत बन रहे हैं तो आप ना बने, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपको चुनने या ना चुनने का निर्णय उसके पास है। तो 236 पर बीजेपी, 200 जी आपको बता दें कि 79 पर जो है वो इंडिया अलायंस और जो हाइड में है वो अदर की सीटें हैं, ये हम डिस्क्लोज फिलहाल तो नहीं कर सकते। जय हिंद।